बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाल देता हूँ। राइट प्रोग्राम to use setter and getter function। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम setter और getter फंक्शन को व्यूअर्स यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। include iostream और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटी। यहाँ पर व्यूअर्स मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है जी बुक, और यहाँ पे मैं कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर लेता हूँ, जैसे है जी इंटीजर, पेज, फ्लोट, प्राइस, उसके बाद आ जाएगा नेम। तो व्यूअर्स, मैंने ये तीन प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिए बुक क्लास के। तो अब मैं इनकी वैल्यू जो है ना वो सेट कराता हूँ यूजिंग सेटर फंक्शन। तो मैंने व्यूअर्स पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि डाटा मेंबर को हमेशा आप प्राइवेट यूज़ करते हैं और जो आपके मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम पब्लिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वाइड सेट पेज इंट पी पेज इज इक्वल टू पी, जो कि पी की वैल्यू आपको रिसीव होगी हम पेज के अंदर स्टोर कर देंगे। सेट प्राइस फ्लोट पी आर, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस इज इक्वल टू पी आर, और इसी तरह सेट नेम। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैंने दे दिया एन का नाम, और यहाँ पे मैं str cpy कॉपी का फंक्शन यूज़ करता हूँ नेम कॉमा एन, यानी कि एन की वैल्यू को कॉपी कर दो किसके अंदर, नेम के अंदर कॉपी कर दो। उसके बाद व्यूअर्स मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले के नाम से जिसके अंदर मैं इनकी वैल्यू को जो है ना वो शो करवा देता हूँ। सी आउट द पेज इज, यहाँ पे आप पेज लिख देंगे एंड लाइन सी आउट द प्राइस इज, यहाँ पे आप व्यूअर्स प्राइस शो कर देंगे, और इसी तरह सी आउट द नेम इज, तो यहाँ पे आप व्यूअर्स नेम को शो करा देंगे। उसके बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पे मेन के फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं बुक का एक वेरिएबल जो है ना वो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ b1 के नाम से। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट बुक वन डाटा, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंड लाइन का फंक्शन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा b1 डॉट सेट पेज, मैं कहता हूँ जिस बुक के 100 पेज से, और b1 डॉट सेट प्राइस, मैं कहता हूँ जी उसकी प्राइस जो है ना वो 300.98 रुपीज़ है। b1 डॉट सेट नेम, मैं कहता हूँ जी उसका नाम जो है ना वेब प्रोग्रामिंग सा। तो व्यूअर्स सेट पेज को जब ये वैल्यू 100 जाएगी तो ये 100 की वैल्यू जो है ना इस पी के अंदर स्टोर हो जाएगी और पी अपनी वैल्यू जो है ना पेज के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह जो हम प्राइस की वैल्यू देंगे ये वाली वैल्यू जो है ना 300.98 ये वैल्यू पी आर के अंदर स्टोर हो जाएगी और पी आर इस वैल्यू को प्राइस के अंदर स्टोर करा देगा। इसी तरह ये जो नाम है वेब प्रोग्रामिंग ये जो है ना इस एन के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये कॉपी हो जाएगा इसके अंदर नेम के अंदर हो जाएगा। इसको रन करते हैं व्यूअर्स। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया व्यूअर्स str कॉपी, तो हमें फिर यहाँ पे स्ट्रिंग की हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड स्ट्रिंग .h सेव करने के बाद इसको मैं स्ट्रिंग के फाइल एंड लाइन सेव करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। तो ये देखें बुक वन का डाटा सारा व्यूअर्स सेट हो गया है, लेकिन डाटा शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे b1.display को कॉल कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सारा डाटा जो है ना वो शो हो रहा है। इसी तरह अगर आपने किसी और बुक का डाटा जो है ना बुक 2 का डाटा अगर आपने कराना है तो जैसे आपने बुक 1 का डाटा जो है ना वो यहाँ पे दिया है तो इसी तरह बुक 2 का डाटा यहाँ पे दे सकते हैं। मैं कहता हूँ 200 पेजेस हैं और उसकी प्राइस जो है ना वो 7.5 है और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी जावा प्रोग्रामिंग है जी और मैं इसको सबको B2 इसको भी B2 कर देते हैं, इसको भी B2 कर देते हैं और इसको भी B2 कर दें। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें बुक 1 डाटा जो है ना शो हो रहा है और इसी तरह ये बुक 2 का डाटा जो है ना वो शो हो रहा है। तो व्यूअर्स इसके अंदर मैंने सेटर फंक्शन को तो यूज़ किया है लेकिन मैंने गेटर फंक्शन को यूज़ नहीं किया क्योंकि सेटर फंक्शन के अंदर मैंने सेटर फंक्शन यूज़ किए हैं और उसके बाद मैंने तमाम वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू जो है ना वो शो करा दी है। जैसे व्यूअर्स हमने सेटर फंक्शन यूज़ किए हुए ना वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा गेटर फंक्शन जो है ना वो भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट गेट पेज, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न पेज। या इसके लिए व्यूअर्स हम एक नया प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो उसके लिए इसको कॉपी करते हैं, सारे को कंट्रोल एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसको यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन को जो है ना मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और डिस्प्ले फंक्शन को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। सेव ex02 के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इसकी रिटर्न टाइम मैं रखता हूँ इंटीजर गेट पेज, तो यहाँ पे मैं रिटर्न पेज। इसी तरह फ्लोट गेट प्राइस, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न प्राइस। इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ जी स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न नेम आ जाएगा। तो व्यूअर्स जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कराई थी वैसे मैंने वैल्यू यहाँ पे गेट करा दी है। ये वैल्यू जैसे ये फंक्शन कॉल होंगे ये वैल्यू जो है ना वो रिटर्न होगी। व्यूअर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ से कोई फंक्शन कॉल होता है वैल्यू भी वहीं पे ही रिटर्न होती है। अब यहाँ पे B1 डिस्प्ले को तो हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे cout, यहाँ पे लिख देंगे book 1 पेजेस, यहाँ पे आ जाएगा B1.getPage। और यहाँ पे मैं हेडलाइन सी आउट बुक वन राइसेज, यहाँ पे आ जाएगा B1 डॉट गेट प्राइस, और यहाँ पे मैं हेडलाइन का फंक्शन सी आउट बुक वन डॉट नेम इज, यहाँ पे व्यूअर्स आ जाएगा B1 डॉट गेट नेम। जिस तरह व्यूअर्स मैंने ये तीनों फंक्शनों को यहाँ पे कॉल किया है, इसी तरह मैं इनको तीनों फंक्शन को जो है ना यहाँ पे भी कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बुक टू, तो यहाँ पे भी B2 आ जाएगा, इसी तरह बुक टू और यहाँ पे भी B2 आ जाएगा, और यहाँ पे बुक टू तो यहाँ पे भी B2 आ जाएगा। तो व्यूअर्स इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें मेरा बुक वन का डाटा जो है ना वो शो हो रहा है, और इस तरह ये मेरा बुक टू का डाटा जो है ना वो शो हो रहा है। अब ये व्यूअर्स प्रोग्राम काम कैसे करेगा, हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई बुक के नाम की, उसके अंदर तीन प्राइवेट डाटा मेंबर हमने ले लिए, जैसे पेज है, प्राइस है और नेम है। उसके बाद मैंने तीन सेटर फंक्शन बना लिए व्यूअर्स और उनको पब्लिक कर दिए, और तीन ही मैंने गेटर फंक्शन बना लिए, और तीनों जो है ना वैल्यू जो है ना वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से जो वैल्यू मैं सेंड कर रहा हूँ ये बुक वन की वैल्यू सेंड हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रही है, ये मैसेज आ जाएगा बुक वन पेज इज़ B1 डॉट गेट पेज, यानी कि जितने भी पेज होंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। इस तरह बुक वन प्राइस, जो भी बुक वन की प्राइस होगी व्यूअर्स वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह बुक वन नेम, जो भी नेम यहाँ से गेट फंक्शन कॉल होगा, तो जब गेट वन फंक्शन जो है ना वो कॉल होगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा नेम को, और जो भी उस बुक का नेम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद मैंने बुक टू का डाटा जो है ना सेट करा दिया यहाँ पे सेटर फंक्शन के थ्रू, और उसी तीनों फंक्शन गेटर के थ्रू हमने इसको यहाँ पे गेट करवा लिया। तो ये तो था व्यूअर्स कि हम सेटर और गेटर फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स अगले वाले प्रोग्रामों के अंदर हम सेटर और गेटर फंक्शन को मोस्टली ज़्यादा तौर पे यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सेटर और गेटर फंक्शन को यूज़ करने की समझ लीजिए बेस्ट टेक्निक है, बजाय इसके कि आप और कोई फंक्शन बनाएं या और कोई मेंबर फंक्शन बनाएं, तो सेटर और गेटर फंक्शन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जहाँ पे आपने कोई वैल्यू पास करानी हो या वैल्यू कोई आपने रिटर्न करानी हो। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह।